सचिन को अपने शतकों की सेंचुरी के लिए करीब एक साल का इंतजार करना पड़ा। ये एक साल का उनके लिहाज से बेहद खराब रहा, लेकिन उनके प्रशंसक लगातार उनके लिए दुआएं मांगते रहे। आइए अब आपको सुनाते हैं सचिन के शतकों की सेंचुरी के लिए गाया गया ये गीत। सचिन कब मरिए तक मोरे भैया, तरसेला नैन कब आई समैया। सचिन कब मरिए तक मोरे भैया, तरसेला नैन कब आई समैया। देखवा के जान तू, लोकवा के जान तू, देखवा के जान तू, लोकवा के जान तू। लड़ा ना लड़िया सचिन कब मरिए तक मोरे भैया, तरसेला नैन कब आई समैया। सचिन कब मरिए तक मोरे भैया, तरसेला नैन कब आई समैया। देखवा के जान तू, लोकवा के जान तू, देखवा के जान तू, लोकवा के जान तू। सचिन कब मरिए तक मोरे भैया, तरसेला नैन कब आई समैया। सचिन कब मरिए तक मोरे भैया, तरसेला नैन कब आई समैया। देखवा के जान तू, लोकवा के जान तू, देखवा के जान तू, लोकवा के जान तू। तो वो समय आ गया, सचिन तेंदुलकर ने शतक मार दिया और इनकी आंखों को भी अब कुछ आशा बंधी होगी कि सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से शतक मारा है। वहीं हमारे संवाददाता कमलेश वैष्णव ने खास बातचीत की सचिन के लिए गाए गीत के गायक मनीष से। आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं मशहूर सिंगर मनीष जी, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के 100वें शतक के पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था। चैनल उनके सहयोग से यह गाना 12 तारीख को यूट्यूब पर लोड किया गया। आइए हम जानते कुछ बातें मनीष जी से। मनीष जी, एक साल के बाद सचिन ने अपना 16 शतक पूरा कर ही लिया। जब ये शतक नहीं हुआ तो काफी निराश थे और भारतीय दर्शक भी काफी निराश थे, जिसके लिए आपने चैनल वन में एक गाना बनाया था जिसको यूट्यूब पे लोड किया और वो लोड होने के बाद इतना मशहूर हो रहा है कि हमारे चैनल में भी फोन आया, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले तो मैं चैनल वन के सारे सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और सारे दर्शकों को चैनल वन के धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये गाना मेरा सुना। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट एल्बम आने वाला था, उस एल्बम की तैयारी के लिए हम लोग गाने बना रहे थे, तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर उस समय रिहर्सल के टाइम उनके दिमाग में थीम आया कि सचिन के लिए कुछ किया जाए। और पिछले एक साल से सचिन तेंदुलकर रन नहीं बना पा रहे थे। रन कहा गया क्योंकि जो क्षमता थी कि हर दूसरे तीसरे मैच में शतक मारते हैं और उनकी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शतक था कि 100वां शतक पूरा होने वाला था। हिंदुस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड के कोने कोने में जितने क्रिकेट प्रेमी हैं सबको इस शतक की जरूरत थी। और फिर हम लोगों ने प्लान किया सचिन के लिए गाना बनाया जाए,